नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम नाप तोल में कमी करते हो, जब तुम नाप तोल में कमी करते हो तो अल्लाह ताला से मैं इस चीज की पनाह मांगता हूँ। जब किसी कौम में फहाशी जाहिर हुई और इन्होंने अलानिया इसका इर्तकाब किया तो इनमें ताउन या ऐसी बीमारी फैल गई जो इनसे पहले लोगों में कभी ना थी। इसी के साथ आज जो मैं आपको रिस्क का वजीफा बताने जा रही हूँ तो आप वो भी गौर से सुने। एक ऐसा नया वजीफा है कि आप पढ़ेंगे तो आपके रिस्क में बेइंतहा इजाफा होगा। अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफा करेंगे। जुमे के दिन का ये वजीफा जुमे के दिन इस अमल को जरूर किया करें और बेशुमार फायदे हैं। इस अमल की आदत को अपना मामूल बना लें और आपके जितने भी परेशानी के मसले हैं आपको हमेशा फायदे में आपको तोड़ देंगे। जुमे के दिन किसी भी वक्त आपने 100 मरतबा अल्लाह अल्लाह पढ़ना है। एक दफा देखें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो विद में ऐसा नशा उनको आता है, अल्लाह के जिक्र में ऐसे विनोदी होते हैं कि वो इस तरह का अगर आप अपने अंदर एक जज्बा ले आए अल्लाह 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 पढ़ते रहे, अगर आप हर जुमे 100 बार पढ़ें तो इंशाल्लाह रिस्क की तंगी खत्म हो जाएगी, मुफलिसी खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक दस्ते गैब से आपको रिस्क अता फरमाएंगे, आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत अता फरमाएंगे। इसके अलावा आपके जितने भी मसाइल हैं सब बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। ना फरमान औलाद फरमा बरदार होगी, ना फरमान बीवी फरमा बरदार होगी। अल्लाह पाक आपके ऊपर शफकत का हाथ रखेंगे, रहमतें मोहब्बतें नेमतें आपके दर पर आकर खड़ी होंगी। आप अपनी जिंदगी में अगर ये अमल कर लोगे तो पूरी जिंदगी पूरी मसले आपके समझ जाएंगे। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। छोटे छोटे वज़ाइफ हैं जो आपको करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।